हेलो दोस्तों, ऑल न्यू मारुति बलेनो क्रॉस एसयूवी इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है। यह मारुति के हटेक प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि टोयोटा के डीएनजीए प्लेटफॉर्म पर बनेगी टू राइवल टाटा पंच। अगर बात करें इसके फ्रंट लुक की तो यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नया ग्रिल देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको नया फॉग लैंप हाउसिंग देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो रेडिएटर ग्रिल है वो काफ़ी मेस डिज़ाइन के साथ, जहाँ पे आपको ट्रेड फिनिश देखने को मिलेगा और फ्रंट में स्किड प्लेट देखने को मिलेगा। फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर निकल कर आता है। यहाँ पे इसका डायमेंशंस आपको लेंथ 3995 देखने को मिलेगा और वेथ आपको दोस्तों 1750 mm देखने को मिल जाएगी, जो कि ओवरऑल ठीक है। व्हील बेस भी दोस्तों आपको 2500 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि बलेनो से सिमिलर। और यहाँ पे आपको 16 इंच के नए डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। यहाँ पे अगर पीछे की तरफ बात करें तो आपको बिग साइज के एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलेंगे और नीचे में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे और नीचे में स्किड प्लेट, जो कि इसके डिज़ाइन को ओवरऑल पीछे से भी काफ़ी अच्छा बनाता है और काफ़ी ऊंची लगती है पीछे से भी देखने पे ये गाड़ी। अगर बात करें दोस्तों कुछ और फीचर्स की तो आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएंगे और टॉप मॉडल में आपको सनरूफ भी देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इसके ग्राउंड क्लीयरेंस का तो आपको 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। इंटीरियर की तरफ आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ बिल्ट इन नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्लस वायरलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिलेगा और क्रूज कंट्रोल्स केवल टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेंगे। डुअल एयरबैग ABS EBD स्टैंडर्ड रखी जाएगी, साथ में आपको AMT ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ में आपको रियर आर्मरेस्ट और हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सनरूफ भी आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलने जा रही है। अगर बात करें कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार के फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल होंगे जो कि आप अलग से लगवा सकते हैं। अगर बात करें इंजन की तो इंजन आपको सेम 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन देखने को मिलेगा और इसके लोअर स्पेक वेरिएंट में आपको SCNG का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 32 KMPL तक का माइलेज निकाल कर देगा। यहाँ पर ऑटो गियर शिफ्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4 स्पीड रहने वाला है। अगर बात करें इसके लॉन्च डेट की, 2022 के सेकेंड हाफ में ये गाड़ी लॉन्च होगी। और इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो आपको 5 लाख से लेकर 7 लाख 50 हज़ार एक्स शोरूम होने वाली है।